खरगोन जिले के महेश्वर उपजेल से शनिवार को दो कैदी फरार हो गए। चोरी और दुष्कर्म के मामले में विचाराधीन कैदी बताए जा रहे हैं। कंबल की रस्से बनाकर दीवार फांद कर कैदी भागने के बाद हड़कंप मच गया है। केंद्रीय जेल अधीक्षक बड़वानी डीएस अलावा, जेल अधीक्षक खरगोन जीएल ओसारी, उप जेल प्रभारी ऐश्वर्य मिश्र जेल पहुंचे और जेल प्रशासन जांच में जुट गया है। जेल प्रहरी सहित ड्यूटी पर तैनात जवानों को बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मुख्य प्रहरी में सहित दो प्रहरी कुल तीन को निलंबित कर दिया गया है। मौके पर जांच के लिए पहुंचे केंद्रीय जेल बड़वानी के जेल अधीक्षक डीएस अलावा ने बताया कि चोरी के आरोप में 4 जुलाई को विचाराधीन कैदी के रूप में लाए गए नानू राम और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में 19 जुलाई को निरुद्ध किए गए विकास जेल की 18 फीट ऊंची आउटर वॉल फांद कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में सूचना देकर उनकी तलाश प्रारंभ कर दी गई है। मामले में दो प्रहरियों अमित सिंह और दीपेंद्र सिंह का मुख्य प्रहरी साधु सिंह को निलंबित कर दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, महेश्वर जेल से दो कैदी फरार होने की बात सामने आ रही है, लेकिन हम देखें तो कैदी विचाराधीन है और इस तरह का पहला शायद मामला यहाँ का लग रहा है, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात भी है कि बड़ी लापरवाही के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, जैसे सूचना आज 12:15 बजे करीबन मिली हमको जेल प्रभारी जिला द्वारा, हम तुरंत आके हम जाँच कर रहे हैं और दो बंदी फरार हुए हैं। उसमें कंबल के जो चारों तरफ वो जो एक किन्नौर बनती सीते हैं उसको किन्नौर निकाली उसने और उसमें एक वो एंकर लगा के वो फरार हुए। और इसमें प्रहरी की लापरवाही है, प्रहरियों की, और हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो निलंबित करेंगे। सर, जिस तरह से वहाँ के हालात रहेंगे हम देखें तो पीछे के ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी दीवार की इस तरह फेंकने में, नहीं, या पीछे ऊंचाई तो ठीक है, स्टाफ की लापरवाही थी। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? डीएस अलावा, जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल बड़वानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।